ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24/5/64। रिकॉर्ड चला है, दर पे आए हैं हम कसम ले। सिकिले बच्चों ने गीत सुना, बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है ये अंतिम मर जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस कल्प में अगला जन्म नहीं होना है, तो अंतिम जन्म में तो बाप का बनना चाहिए ना। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवान वाच उस गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है तो शिव बाबा, शिव बाबा के बाद फिर ब्रह्मा, फिर कृष्ण आता है। तो श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा बाप है, पतित पावन कृष्ण अथवा राम आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। दैवी गुणों वालों को देवता कहा जाता है, और मनुष्यों को देवता बनाने वाला तो भगवान है ना। तो भगवान की श्रीमत है, राम कृष्ण तो देवताएं हैं। तो मनुष्य न, तो मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे हे पतित पावन आओ, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां तो है ही सब पावन। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जो कल्प के अंतिम जन्म में आते हैं। अभी इस अंतिम जन्म में तुम श्रीमत पर चल रहे हो, और प्रजापिता ब्रह्मा की मत तो मशहूर है। श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं। भूल है ही जो बाप की बदली कृष्ण का नाम डाल लिए है। जो निराकारी धर्म वाले हैं, उनका तो एक ही बाप है, कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग तो क्राइस्ट को फादर मानते हैं, कृष्ण को थोड़े ही मानते हैं। सब क्रिश्चियंस हैं क्राइस्ट की मुखवंशावली। परंतु निराकार गॉड फादर को क्रिश्चियंस भी मानते हैं। वो निराकार शिव बाबा करके तुमको अपना बनाते हैं। अपना बनाने के लिए साकार में आते हैं।
कहते हैं तुम सिर हथेली पर रख करके बाप के बने हो, बाप के बने हो बाप के डायरेक्शन पर चलने के लिए। तो बच्चों को बाप को मत देने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि बाप तो खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं कि बच्चे बाप को कहेंगे ये क्यों करते हो, गोद में क्यों लेते हो, नहीं, ये तो सब बच्चे हैं ना। शिव बाबा तो नामी ग्रामी है, वो जो कुछ भी मत देंगे, वो जो कुछ भी करेंगे वो तो राइट ऐसे ही करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराते हैं राइट ऐसे ही कराते हैं। इसलिए करण करावनहार है, करणहार खुद है और ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। इन ब्रह्मा को भी मत देते हैं ये करो, परंतु तुम्हारा कनेक्शन एक शिव बाबा से है, ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियों से कनेक्शन नहीं है। फिर भी कोई का अवगुण नहीं देखना है और सदैव श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहां घर नहीं है। तुम यहां पुराने घर में रहते हो, फिर वहां नए घर में स्वर्ग में जाकर के रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं नई दुनिया में मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय संगम युग में थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम हो सभी सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं और हूबहू ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक डायरेक्शन दे रहे, कल्प कल्प जो डायरेक्शन दिए होंगे वो ही देते रहते हैं। दिन रात गुहते गुह्य पॉइंट सुनाते रहते हैं, नया कोई इन पॉइंट्स को नहीं समझ सकता। बन कोई 25 वर्ष से रहते हैं, परंतु यहां भी ऐसे बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को नहीं समझते। बाप रोज नया ज्ञान सुनाते हैं। कराची से लेकर के मुल्दी निकलती चली आई है, कराची से लेकर पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे और बाप लिखवाते थे, फिर बाद में उसकी कापियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज आज संभालते रहते हैं,
दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें छपाते जाते हैं, कितनी कितनी बायोग्राफी बनाते हैं, वो फिर पढ़ करके रखते हैं। वो बायोग्राफी को पढ़ते हैं, पढ़ करके रखते हैं, संभाल करके, और तुम तो मुरली पढ़ करके फेंक देते हो। नहीं तो ये वर्षंश रखने चाहिए हमेशा के लिए। परंतु जो नहीं जानते हैं इसकी वैल्यू को, तो क्या करते हैं, पढ़ करके फेंक देते हैं। समझते हैं ये तो सब विनाश हो जाने वाले हैं। चित्र आदि भी जो तुम ये बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर ये चित्र आदि सब दब जावेंगे। वहां नई दुनिया में न सांस रहेंगे न चित्र आदि रहेंगे। कल पहले भी नहीं रहे थे, फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्पवाद ही होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं ये सब शास्त्र झूठे हैं। ऐसे नहीं कि कोई ग्रंथ आदि पढ़ने से परम धाम का रास्ता मिलता है, बिल्कुल नहीं। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ, बहुत छोटा था। अभी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं और दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जावेंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं, बाप बैठ समझाते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूं। भक्ति मार्ग में भी मैं इंश्योरेंस करता हूं। भक्ति मार्ग में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं ना इसने दान पुण्य किया है ईश्वर अर्थ, इसलिए ईश्वर ने बड़े बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धर्मात्मा होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते ही रहते हैं। बाबा फिर कहते हैं मैं बच्चों को दूसरा जन्म में उसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा व बुरा जो भी फल होता है वो पिछले जन्मों का कर्म होता है ना, कर्म का फल होता है ना। तो देखो बाबा भक्ति मार्ग में भी कितना बड़ा है इंश्योरेंस हुआ। 24/5/64 की वाणी का दूसरा पेज। तो जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है, उससे तुम दुख पाते हो। अभी संगम युग में मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो तुमको कभी भी दुख नहीं होगा। और वहां नई दुनिया में माया भी नहीं होगी,
बाकी है मर्तबे की बात। तो जो जितना इंश्योरेंस करेगा मर्तबा पावेगा। शिव बाबा भी ट्रस्टी है, शिव बाबा है नंबर वन ट्रस्टी। दूसरों की तो आ सकती जावेगी, कोई तो ट्रस्टी ऐसे होते हैं जो कोई का खाना ही खराब कर देते हैं। और बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तो तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, ऐसा ट्रस्टी हूं कि मैं खुद सुख नहीं लेता हूं और बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूं। लौकिक बाप तो सब कुछ लेकर के बाकी दौलत वर्षे में बच्चों को दे जाते। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी नहीं लेता हूं, तुमको ही सब कुछ दे देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने ये फुल इंश्योर कर दिया, तन मन धन सब आपकी सर्विस में है। सिंध में एक पहाका भी है, हाथ जिनका पहले ऐसे होता है तो पहला पूर को वो पहुंचेंगे। बाप के पास सब इंश्योरेंस करना है, दो मुट्ठी चावल दे तो महल बन गया। अभी देखो मकान बना है, कोई ने एक रुपया भेजा कि हमारी ईंट लगा दो ना। बाबा कहे अरे तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम तो गरीब हो ना। मैं हूं ही गरीब निवास, गरीब का एक रुपया और साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। परंतु यहां साहूकार तो बहुत मुश्किल से आते हैं। सबसे जास्ती कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है, और कन्याओं में देखो नंबर वन मम्मा गई है। और मम्मा के पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी फिर भी नंबर वन चली गई। और ये बाबा जिसने सब कुछ दिया फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी का नाम पहले हो गया और बाबा नारायण का नाम बाद में। तो देखो कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी भी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी उनमें संशय नहीं लाना चाहिए और बहुत मीठा भी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, श्रीमत नहीं लेते हैं तो माया बहुत नुकसान कर देती है।
कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को तो बहुत ख्याल रहता है कि कहां ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि हम हैं मोस्ट बिलीव्ड गॉडफादरली स्टूडेंट्स। और भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम डाल दिया है। और कृष्ण भी तो सब मनुष्यों से ऊंचते ऊंचे ठहरा, फर्स्ट प्रिंस है ना। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, नारायण का नाम क्यों नहीं डाला। कृष्ण तो बालक है, छोटेपन में नाम कृष्ण है ना। बच्चा बुद्धि है ना, वो गीता का भगवान कैसे ठहरा। बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा और वृद्धावस्था आती है, पवित्र होने के कारण बच्चे की महिमा करते हैं क्योंकि प्योर है। बालक को ब्रह्मज्ञानी समान कहते हैं क्योंकि बच्चे से तो कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा होने के कारण इनका बर्थ मनाते हैं। सो भी कृष्ण को धकेल दिया है द्वापर में, क्यों धकेल दिया है द्वापर में है। ये शास्त्र में सब कहां की बातें लिखी हुई है, संगमयुग की शूटिंग की बातें हैं। संगमयुग की शूटिंग में कृष्ण द्वापर युग में दिखाया हुआ है, परंतु ये सब बातें बाप बैठे डिटेल में समझाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा सिवाय तुम ब्राह्मणों के, जो इन बातों की गहराई को समझ सके। तो कहा जाता है ब्राह्मण होते हैं उत्तम। अभी तुम संगम युग में ब्राह्मण बने हो ना। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सतयुग में तो तुम दैवी संतान बनेंगे, ईश्वर की संतान तो वहां नहीं होंगे। ईश्वर से तो जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जन्म। परंतु ऐसा दुर्लभ जन्म सभी का तो नहीं हो सकता। ये ऐसा ड्रामा बना हुआ है जो सब ऐसा दुर्लभ जन्म नहीं पा सकते। किसी ने 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में चले जाएं, क्यों नहीं पा सकते। क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो और धर्मों में चक्कर काट करके आए हैं
और धर्मों से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बने हैं तो उनको समझने में लंबा टाइम लग जाता है। उनका ऐसा ड्रामा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वो ही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े थे, बाप से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी तो बीच में टूट गए, औरों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़े। ये कन्वर्ट होने की शूटिंग यहां चलती है। भगवान ने तो जरूर भगवान भगवती पैदा किए होंगे और वो भगवान भगवती कोई सतयुग में नहीं होते हैं। सतयुग में तो देवी देवता कहे जाते हैं, भगवान भगवती कहां होते हैं? जरूर कहेंगे संगम युग में भगवान ने भगवान भगवती बनाया। वास्तव में भगवान तो एक ही होता है, कहते भी हैं गॉड इज वन। उस निराकार की ही सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा निराकार ने बनाया। निराकार कैसे बना देगा? जरूर कोई साकार में प्रवेश किया, जिस साकार में प्रवेश किया उसको आप समान निराकारी बनाया, निराकारी स्टेज वाला बनाया। इसलिए कहा जाता है कि निराकार ने लक्ष्मी नारायण को बनाया। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, बरोबर गीता में राजयोग का ज्ञान है और जब राजयोग के द्वारा राजाई की स्थापना हुई तो उस समय जरूर सभी राज्यों का विनाश हुआ होगा, सभी पुराने धर्मों का विनाश हुआ होगा। नारकीय धर्म और नारकीय राज्य का विनाश हुआ होगा। बाप तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो अब है संगम युग की बात। जिस संगम में बाप आते हैं तो सारा खेल पूरा हो जाता है। जब सारा खेल खलास हो जाता है तब कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मुझ गए हैं, तब तो बाप आए समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। कहते हैं ये सब झूठे शास्त्र हैं। ये झूठे शास्त्र आदि पढ़ना इनसे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। भक्ति मार्ग में कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी। अभी वो सारी मिल्कियत जैसे लोप हो गई। 24/5/64 की वाणी का तीसरा पेज। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने में
तीर्थ यात्रा करने में, मंदिर बनाने में कितना खर्चा करते गए हैं। खर्चा करते करते सारा भारत कंगाल बन पड़ा। अभी तुम तो जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, तुम्हारी आत्मा की ही महिमा है। बाप भी आत्मा है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ब्लिसफुल है। ये सारी बाप की महिमा गाई हुई है। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारा मान कम कर दिया। स्थान जड़ होता है या चैतन्य होता है? स्थान जड़ होता है। और कृष्ण चैतन्य था या जड़ था? कृष्ण चैतन्य आत्मा का नाम है या जड़ स्थान का नाम है? चैतन्य आत्मा का नाम है कृष्ण। तो चैतन्य के साथ जड़ स्थान को क्यों बोला? भारत तीर्थ स्थान और कृष्ण का नाम डाल लिया। वास्तव में भारत भी चैतन्य आत्मा है। जिस भारत में भगवान आते हैं, वो ही गीता का भगवान है। परंतु भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाप की बदली बच्चे का नाम डालने से मान कम हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी शिव के मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाते। क्योंकि सबका सदगति दाता एक शिव बाबा है, जो निराकार है। संगम युग की ही सारी बातें हैं। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा जो संगम में पार्ट बजाने वाला है, वो कोई निराकारी स्टेज वाला नहीं है। ब्रह्मा का एक भी फोटो निराकारी स्टेज का नहीं है। नहीं तो जितने भी धर्म पिताएं होते हैं सब निराकारी स्टेज वाले। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, सब के चेहरे को ध्यान से देखो, उनकी निराकार आत्मा स्पष्ट देखने में आती है। तो निराकार बाप ही जो बापों का बाप है, वो साप की सदगति लाता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग कर फिर दुर्गति में आते हो, जानते हो कि आखिर इन सभी को तमो प्रधान बनना ही है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो भी बैग एंड बैगेज है वो सब दे दो तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दे नई दुनिया में।
मैं ट्रांसफर कर दूंगा, मैं खुद तो नहीं लेता हूं। साफ बात कहता हूं, दुनिया में जो भी मनुष्य होते हैं वो तो अपने लिए करते हैं, फिर ऐसे झूठा कह देते हैं हम तो निष्काम कर्म करते हैं। परंतु निष्काम कर्म निस्वार्थ कर्म तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। जिनको जिनको अपना अपना रथ है वो स्वार्थ में रह करके ही कर्म करते हैं। निष्काम कर्म दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और हर चीज का हर बात का फल तो जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूं। इन अविनाशी ज्ञान रतनों से ही तुमने वैकुंठ लाया है। अविनाशी ज्ञान रतनों में सच्चाई है ना, तो सच्चाई के आधार पर तुम सच्चखंड स्थापन करते हो। बच्चों को सावरंटी का सावनियर बनाते हैं। तो वो सावरंटी लेने के लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना है। वो तो भविष्य में बनेंगे, परंतु अभी तो तुमको तीरी पर बहस्त देता हूं। तीरी हथेली को कहा जाता है, ये स्थूल हथेली की बात नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया का नक्शा आ जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही मिल जाती है। तो कहा जाता है वो दिव्य दृष्टि दाता है। तुम्हें दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सेकंड में तुम वैकुंठ में चले जाते हो। ये जो बाबा है ब्रह्मा बाबा, इसके हाथ में तो कोई भी चाबी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जावेंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से मुझे बहलाना पड़ेगा। कितनी ही अच्छी रीति सारी बातें समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। क्या कहा है? ये तीन बार कल्प 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 क्यों बोला? शूटिंग पीरियड में पूरी पावर धारण करके एक ही बार प्रत्यक्ष होता है। बाकी दो इतने अवतार आदि हैं वो सब गपोड़े हैं। दिखाते हैं राम अवतार, कृष्ण अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के। और वो भी बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बन नहीं ना है। जो कुछ भी होता है वो ड्रामा में नूद है।
तो जो भी ड्रामा में नूंद है उसको साक्षी होकर के देखना पड़े। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, मैं तुम्हारी एक भी पाई नहीं गंवाता हूं। और कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण करावनहार वो है, निराकार भी है और निरहंकारी भी है। वो गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, वो ऐसे भी नहीं कहते कि चरणों में गिरो। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हूं। कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो तीन हिस्सा सुख भोग भोग करके अभी कलयुग के अंत में आकर दुखी हुए हैं। तुमको सुख भी बहुत मिलता है और धर्मों को इतना सुख नहीं मिलता, उनको आधा सुख मिलता है आधा दुख मिलता है, और तुमको तीन हिस्सा सुख मिलता है और एक हिस्सा दुखी हो जाते हो। तो तुम्हारे इतना सुख और कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकते कि भारतवासियों के इतना सुख क्यों मिलता है। क्यों नहीं कह सकते हैं? भारत में भगवान क्यों आते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं आते हैं? पुण्य भूमि। अरे भारत में ही पुण्य भूमि पुण्य क्यों होता है, हमारे देश में पुण्य क्यों नहीं है? हाँ, भारतवासियों में प्योरिटी के प्रति मान है और दूसरे देशों में प्योरिटी के प्रति उतना मान नहीं है। और भगवान बाप तो है ही एवर प्योर, तो जो उस बाप की महिमा गाने वाले हैं, महिमा गाते गाते स्वयं भी वैसे महिमावान बनते हैं। भारतवासियों जैसा पवित्र कोई और धर्म वाला बनता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर सुख भारतवासियों को क्यों नहीं होगा? तो पूछते हैं औरों ने क्या किया, क्या किया औरों ने, और धर्म वालों ने और देश वालों ने क्या किया जो आधा सुख आधा दुख मिलता है? अरे व्यभिचारी बनते रहे, व्यभिचार का पोषण किया, दूसरे धर्म वालों ने साहब ने व्यभिचार बढ़ाया। द्वापर युग से दूसरे धर्म वाले जो भी आए उन्होंने साहब ने द्वैतवाद में रह करके व्यभिचार बढ़ाया। तो बाप कहते हैं और धर्मों के इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते,
श्रेष्ठ थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे। अच्छे थोड़े होते हैं और बुरे ढेर के ढेर होते हैं। तो ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। क्या कारण हुआ? जो भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, नाम ही है भारत, काहे बात में रत, भा माने रोशनी, जो सदैव आत्मा परमात्मा की रोशनी में ही रत रहता है, लगा रहता है, उस भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म जो ईश्वर का स्थापन किया हुआ है वो पनपता है। यहां ही भगवान ने आकर के सहज राजयोग सिखाया था। जिनको ज्ञान की रोशनी की वैल्यू ही नहीं है, उनको आकर के सिखा करके क्या करेंगे? वैल्यू किसको है? भारत को है, भारतवासियों को है, या दूसरे देशवासियों को है? दूसरे देशवासी तो भौतिकता में लिपे पोते पड़े हैं, भौतिक बातों में बुद्धि लगी हुई है, जैसे कि भगवान को भूल चुके, भगवान के ज्ञान को भूल चुके। तो बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। अभी मैं फिर से आया हुआ हूं, तुम भी जानते हो कि अब हमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। कितना पुराना हो गया है, हैं? 5000 वर्ष पुराना चोला हो गया है। सर्प का मिसाल भी दिया जाता है। हो सन्यासी लोग तो कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु फिर भी ब्रह्म में लीन तो कोई भी होता ही नहीं। उन सन्यासियों में भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ जाते हैं तो उसका वायुमंडल में 2-3 माइल तक सन्नाटा हो जाता है। तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं, परंतु ये ब्रह्मा तो बाबा नहीं है। जिसके पास हम जावे ये ब्रह्मा बाबा विचारों का भ्रम है कि वो भगवान है। ये हिंदू धर्म का भ्रम है जो गीता का भगवान कृष्ण को समझ बैठे हैं, समझते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम हिंदू हिंसा को दूर करने वाले हैं। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के फॉलोअर्स क्या समझते हैं? हम हिंसा को
दूर करने वाले हैं और शंकर पार्टी वाले हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। वो विष पीने वाले हैं और हम निर्विष बनाने वाले हैं। बाप कहते हैं, अरे तुम अपन को जो हिंदू धर्म के समझते हो, ये हिंदू धर्म फिर कहां से आया? ये तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में तो एक ही धर्म था, अभी तो हिंदुस्तान में कितने धर्म भरे पड़े हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहां तो भाषा भी एक होती है, धर्म भी एक होता है, कुल भी एक होता है। क्योंकि एक ही आकर के स्थापन करते हैं। कहते भी हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन थोड़े ही हो जावेगी। सारी दुनिया के राज्य मिलकर के, राजाइयां मिलकर के एक हो जावेंगी क्या? ब्रदरहुड भी नहीं समझते हैं, कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी कहें तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर, वो ओ फादर कह करके किसको बुलाएंगे? ये सर्वव्यापी की नॉलेज है, मूर्खता की नॉलेज है। ऐसा मूर्ख माया बनाती है। अच्छा, बाप दादा, मीठी मीठी मम्मा का, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।